तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का, क्लास 12th के लिए। कौन सा क्वेश्चन है आज? 3 नंबर के क्वेश्चन मैं अभी तक आपको करा रहा हूँ जो CBSE में या तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या फिर उन्होंने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में बेटा दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, और ट्राई करेंगे आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन बेटा बटा हुआ है, 2019 का प्रश्न है, 2019 के पेपर, यानी कि ज्यादा पुराना है नहीं। क्या है प्रश्न? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द जेड डायरेक्शन। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, कहाँ? जेड डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जो भी आपका हो। ठीक, ओके। फिर साथ में सेकंड पार्ट क्या है इसमें, कि दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेट कर रखे हैं पॉइंट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 ए। आई थिंक यहाँ फ्लैश आ रही होगी शायद, मैं बोल देता हूँ 0 0 ए, 0 0 माइनस ए और 0 0 ए पर रखे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें पूछा है हमसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स ये 0 0 प्लस माइनस जेड एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, इन पे पोटेंशियल पूछा है। तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये 2 मार्क्स का होगा और ये 1 मार्क्स का होगा, दोनों जोड़ के 3 मार्क्स का बन जाता है। सबसे पहली बात बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, चाहे फिर वो पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, डाइपोल हो, कुछ भी सही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना दो, खत्म। जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल गई है सब पे परपेंडिकुलर खींचते चलो, चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती जाती है। अच्छा, लेकिन अब यहां पे सर दिक्कत क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, इसमें लिखा है अलोंग विद जेड डायरेक्शन, ठीक है, ओके सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर यूनिफॉर्मली लगातार बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटा मेरे को हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू देती है ना? जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे है तो मान लो 10 वोल्ट है, दूसरी यहाँ पे मान लो वो 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट की है, ऐसे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन पता है? तो आप कहेंगे हाँ सर पता है, आपको पता है ई इज इक्वल टू माइनस में DV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा भी कई खबर क्वेश्चन आया, तो यही बात है बेटा, ठीक है। इसका मतलब है DV/dr, कैसा लग रहा है ये, है ना, dr लिख देता हूँ सर, dr। अब इसका मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कितना पोटेंशियल चेंज है एक यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस चलने पर कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट डिस्टेंस चले कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब बेटा यहां ध्यान समझना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान समझना। मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल है 40, यहां पर है 30, और उतनी ही दूरी पे यहां पर है 20, उतनी ही दूरी पे यहां पर है 10, उतनी ही दूरी पे यहां पर है 0। ये पोटेंशियल है बेटा, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, छोटा छोटा बनाया मैंने। अब इसका मतलब है सर पोटेंशियल घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ध्यान रखना इसका मतलब एक बात तो ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, नंबर वन। नंबर टू बेटा, अब यहां ध्यान से देखना, क्या ये बराबर डिस्टेंस पे बराबर बराबर बट रहा है? देखो ध्यान से, हाँ सर। मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे कितना चेंज हुआ 10, फिर डिस्टेंस कितनी है एक्स है फिर कितना चेंज हुआ 10, फिर डिस्टेंस कितनी है फिर से एक्स है कितना चेंज हुआ 10, डिस्टेंस फिर से एक्स है 10, इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, जबकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है, जबकि यहां देखें तो गैप उतना ही है,
अगर हम पोटेंशियल में चेंज 10 ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी उतना ही चल रहे हैं आप। और इलेक्ट्रिक फील्ड तब बढ़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, आपको समझ गए होंगे बात मेरी, अगर आप इक्वल चेंज के लिए जाते हैं, इफ चेंज इन पोटेंशियल आप कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है रेसिप्रोकल dr के। मतलब जितना कम डिस्टेंस चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस में गैप आता जाएगा इन पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे अगर सेम चेंज के लिए, फॉर सेम चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज 10 वोल्ट का ही होगा लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा चल रहे हैं, पोटेंशियल में चेंज 10 का ही है लेकिन डिस्टेंस कम चल रहे हैं, तो फर्क है ना दोनों बातों में। तो अगर जितना कम आप डिस्टेंस चलेंगे और पोटेंशियल में चेंज उतना ही आ रहा है, डिस्टेंस कम चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे तगड़ा रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। इस फॉर्मूले से मुझको बेटा ये बात मालूम चलती है। तो अगर आपको देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार इंक्रीज करना है, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज तब होगा जब ये डिस्टेंस कम होगी। मतलब ये है कि पहले यहाँ 40, यहाँ 30 इतनी डिस्टेंस, अगली बार 20 थोड़े यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको डिस्टेंस कम, फिर 10 कहाँ लेंगे और कम डिस्टेंस पे, 0 कहाँ लेंगे और कम डिस्टेंस पे। ये है इसका मतलब बेटा, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इससे आपकी बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यहीं पे कहता है यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तब घटता अगर डिस्टेंस ज़्यादा चलते जाते। चलिए बना दे डायग्राम, कैसा बनेगा डायग्राम? सर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बना देते हैं। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले, रफ करते हैं ऐसे बेटा। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि भैया ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस की, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस बनानी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार उधर को बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस घटती जाएगी। मतलब पहली सरफेस अगर आपने यहाँ बनाई है तो बेटा दूसरी सरफेस आपने यहाँ बनाई है, एक में तो गैप दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे गैप अगर आपका ये है एक्स, तो अगला गैप थोड़ा कम होना चाहिए। ये देखो गैप थोड़ा कम दिखाया, गैप फिर और कम दिखाओ, ये देखो सर ये सारी की सारी खड़ी क्यों आ गई? बेटा खड़ी इसलिए आई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसी तो आएगी ना खड़ी, है ना। ये बना बेटा पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ डिक्रीज कहता तो बेटा ये जो गैप आगे की तरफ घटता जा रहा है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं आगे घटाता जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये डायग्राम, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है ऐसा, ठीक। सबसे बढ़िया क्वेश्चन बेटा ये वाला है, अगर आप इसका बी पार्ट को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी थिंकिंग बहुत बढ़िया है। बी पार्ट आप इसका करें बेटा जल्दी से पॉज करके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बी पार्ट, बहुत बढ़िया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी से ये बेटा सब कुछ ये, ठीक। चलिए एनसीईआरटी में सब ये दे रखा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखें बेटा ध्यान से, ओहो 2019 भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है दो चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, लोकेटेड हैं एट पॉइंट 0, 0 माइनस है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0, जेड की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब जेड एक्सिस पर है। माइनस ए मतलब माइनस की तरफ है, इधर प्लस इधर माइनस। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान रखना, आप जब एक्सिस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एक्स कहाँ लेंगे वाई कहाँ, ये आपकी मर्जी होती है प्योरली। मैंने यहाँ पर एक्स लिया है, यहाँ वाई, तो मेरे लिए जेड बना। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर एक्स ले यहाँ पर वाई ले तो जेड नीचे बनेगा, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पर एक्स ले यहाँ पर वाई ले तो जेड इधर बनेगा। तो सर ये कन्फ्यूजन क्यों सर, कैसे आप कर रहे हैं? कुछ नहीं करना बेटा, आपने वही वेक्टर वाली चीज़ें पढ़ी हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। राइट हैंड थंब रूल याद रखना, एक्स क्रॉस वाई करो तो जेड की तरफ जाकर आना चाहिए अंगूठा आपका। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड होगा, बाहर की तरफ जेड आ रहा है इसलिए माइनस जेड पीछे है बेटा, है ना, कन्फ्यूज मत होना इस बातों पर। चलिए कहाँ रखा है चार्ज, 0, 0 माइनस ए, तो माइनस ए पॉइंट कहाँ होगा? लगभग मैंने यहाँ मान लिया बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, 0, 0, -a, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, माइनस का q, ठीक। प्लस q चार्ज कहाँ रखा है, क्योंकि देखो पहले ये तो ये प्लस q रखा है 0, 0, a, 0, 0, a मतलब वही होगा लेकिन अब पॉजिटिव z में, इतना इधर यहाँ,
कौन रखा है यहाँ पे, जीरो जीरो ए पे कौन रखा है, यहाँ पे रखा है मान लीजिए बेटा प्लस क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मजे की बात है बेटा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर होता है कि वेक्टर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है सीधे सीधे स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो बहुत सिंपल है, इस चार्ज की वजह से निकाल दो, इसकी वजह से निकाल दो, दोनों को सिंपल जोड़ लो, बहुत सिंपल। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपने ध्यान से, एट पॉइंट्स 00z, अब ये 00z कहाँ हो, 00z या प्लस माइनस z है, ये 00z z एक्सिस पर ही होगा, या तो इधर या तो उधर, अगर आप प्लस z ले रहे हैं तो इधर की तरफ है, माइनस z ले रहे हैं तो उधर की तरफ है ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या ये आपको कहीं डाइपोल जैसा नहीं दिख रहा? वैसे मैं आपको बताऊं बेटा, आप इसको डाइपोल लेके नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बता दूं, क्योंकि बेटा डाइपोल के लिए जो डिस्टेंस होनी चाहिए बहुत छोटी होनी चाहिए, हमें नहीं पता कि डिस्टेंस बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी है, इसमें कहीं पे क्लियर नहीं है। ठीक, मतलब लेकिन आंसर वही आता है बेटा, आंसर वही आएगा आपका, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं डाइपोल लेके, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, आप कर सकते हैं डाइपोल लेके, नो प्रॉब्लम, नहीं तो चेक कर सकते हैं अपना आंसर डाइपोल की हेल्प से। ठीक है ना, देखिए ये हो गया आपकी z एक्सिस, अच्छा कहाँ पर है, 00z, तो 00z अगर यहाँ पर है तो आप देखोगे डाइपोल के एक्सियल लाइन पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तब भी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है, तो ये बेसिकली अगर मैं इसको डाइपोल मान दूं तो बेटा ये जो पॉइंट हैं, दोनों दो पॉइंट हैं, ये 00z और 00-z, ये एक्सियल पोजिशन पे हुए, और देखो ये वाला कहाँ है बेटा, x, y, 0, इसका मतलब x पे भी चले हो, y पे भी, लेकिन z पे नहीं चले। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बेटा, देखेंगे आप कुछ कुछ इस तरीके से, ये है ऐसा है, देखो x, y और ये z हो गया, ये x, ये y, ये z, z ये है तो माइनस z पीछे होगा, z के लिए 0 कहाँ पर है, z के लिए 0 सर यहाँ बिल्कुल ओरिजिन पर होगी, इधर को प्लस जेड, इधर को माइनस जेड, तो जेड जीरो यहाँ पर है, कौन सा पॉइंट है सर, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, एक्स पे थोड़ा चल दिए, फिर वाई पे भी थोड़ा चलना है तो ऊपर को चल दिए, जेड पे इधर उधर कहीं गए नहीं गए, अगर जेड पे थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते तो यहाँ आता, प्लस जेड होता तो इधर होते, माइनस जेड आता तो पीछे जाते, तो आप एक्स पे चले वाई पे चले, तो सिर्फ आप यहीं पर हो, इसी पॉइंट पर हो, मतलब कि एक्स वाई प्लेन पर हो आप, और अगर आप एक्स वाई प्लेन पर हो तो ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कहाँ इससे दिख जाएगा, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ऐसे आपका ये z एक्सिस है और आप एक्स वाई प्लेन यहाँ पर है, पूरा यहाँ कहीं पर हो, तो अगर आप देखो ध्यान से, मैं इस पर बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से है, अरे सीधा हो जा भैया, ये इस तरफ प्लस z है, इस तरफ माइनस z है, माइनस a है जहाँ पे चार्जेस रखे हैं, तो आप देखो वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो पॉइंट इस प्लेन पे कहीं आ रहा है, इस प्लेन पे कहीं आ रहा है वो पॉइंट, तो क्या वो इक्वेटोरियल प्लेन पर नहीं है, ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको इमेजिन करते हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेन आ गया है, और अगर इक्वेटोरियल प्लेन आ गया है तो फिर तो भैया बहुत सिंपल चीज़ें होने लग रही हैं ये, हाँ मार्कर कहाँ गया भैया, आ जा भैया, आइया, और अब देखो तो बेटा फिर तो बहुत सिंपल चीज़ है सर, ये वाला इक्वेटोरियल वाला हो गया, बिल्कुल ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की वजह से। तो बेटा डाइपोल मोमेंट कितना होता है आपको पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट सर होता है P बराबर कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुणा उनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ए ए टू ए, तो क्यू इंटू टू ए, ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, आप चाहे तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी हो तो अच्छी बात है बेटा, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे किसी डाइपोल की वजह से तो वो कितना होता है, अगर आपको याद है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था 2kp/r³, है ना, 2kp/r³, ये क्या हुआ करता है, ये सिंपल हुआ करता है kp/r², आपको याद होना चाहिए बेटा, के पी, पी इज व्हाट, दिस इज पी अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सियल पोजीशन पर आपका पोटेंशियल निकल गया। अब ये डिस्टेंस क्या दे रखी है क्या नहीं दे रखी है वो सब बेकार की बात है, आपका आंसर आ चुका है। अच्छा इक्वेटोरियल पे क्या निकलेगा, आपको पता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे
कहीं भी चले जाओ इक्विटोरियल, वहां पे पोटेंशियल जीरो ही आएगा। रीजन उसका ये है क्योंकि जितना दूर आप प्लस क्यू से हैं एग्जैक्टली उतना ही दूर आप माइनस क्यू से भी हैं, क्योंकि जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड वाली बात, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो वाली बात है वो कहीं ऐसे कहीं होगी, देखो यूं इस प्लेन पे कहीं होगा यहां मान लीजिए, तो जितनी दूर आप माइनस क्यू से हैं एग्जैक्टली उतनी ही दूर आप प्लस क्यू से भी हैं, तो जीरो आने वाला है बेटा वहां जीरो। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे जीरो खत्म। के की जगह क्या होता है आपको पता है, के की जगह होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है लिख लो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। पी क्या होता है, पी सर क्यू इंटू टू ए है, क्यू इंटू टू ए, ओके। और क्या है आर स्क्वायर, आर होती है बेटा कितनी डिस्टेंस पर देख रहे हो सेंटर से, डाइपोल का सेंटर ये पड़ेगा, इसके सेंटर से कितनी दूर देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या है जीरो जीरो जेड, जीरो जीरो जेड मतलब यहीं से तो नाप रहे हो ना जेड, यहां तो जेड स्क्वायर, तो ये हो गया जेड स्क्वायर। तो इसे आप सही से लिख लेंगे तो टू से डिवाइड हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, क्यू इंटू ए, टू से डिवाइड करोगे तो टू हो जाने वाला है ये। तो ये देखो बेटा आपका आंसर निकल चुका है एक्सियल पे ये रहा, इक्विटोरियल पे जीरो डायरेक्ट आपने कर दिया। और मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें इसको डाइपोल ना मान के करने की, और वही तरीका मैं आपको बताऊं वही तरीका आपका सही होने वाला है, कोशिश करें। वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया कि आंसर आपका ये आने वाला है। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छे से आप दिमाग खोल के क्वेश्चन को समझ रहे हो ना तो आपको आंसर उसका पहले ही मालूम चल गया है, अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया है, अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया, आपको आंसर मालूम चल गया कि इस वाले पोजिशन पर यह आएगा, इस वाली पोजीशन पे मेरे बच्चे ये आएगा, निकाल के देखें, निकाल लो। अगर आप निकालेंगे, मैं इस वाले पोजीशन की बात करता हूँ बोले जीरो जीरो जेड वाली, तो ये सिर्फ वन डायमेंशनल ही लगेगा, ये कुछ इस तरीके से है कि ये सर ओरिजिन होगा, मैं ऊपर से देख रहा हूँ जेड एक्सिस को, ये जीरो जीरो माइनस ए है जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, ये जीरो जीरो सपोज प्लस ए है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, आप कहां पर देख रहे हो, मान लीजिए ये सेंटर है ओरिजिन, है ना, मान लीजिए हम देख रहे हैं जीरो जीरो जेड, और हमने मान लीजिए सपोज जेड इस तरफ है, इधर मान लिया ये, यहां मैं निकालना चाहता हूं बेटा पोटेंशियल, तो क्या होगा यहां पे जो पोटेंशियल होगा बेटा प्लस क्यू की वजह से होगा और साथ ही साथ माइनस क्यू की वजह से भी होगा, दोनों को निकालो और दोनों को ऐड कर दो। आप चाहें तो जेड को जीरो जीरो माइनस जेड है तो यहां भी निकाल के देख सकते हैं, माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। ओके 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 ओके, आंसर आपको पता है क्या आने वाला है, ठीक है ना, देखो करके देखते हैं बेटा क्या होता है बेटा। अच्छा मैं आपको बताऊं बेटा, ये डाइपोल आप इसे मान के, मैंने बता दिया आपको आंसर क्या आएगा, लेकिन इसे डाइपोल मानना सही नहीं है कॉन्सेप्चुअली, बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा कहीं भी कि डिस्टेंस बहुत छोटी है, ठीक, फिक्स्ड होती है डिस्टेंस और बहुत छोटी भी होती है ना। चलिए बेटा अब देखेंगे ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, अगर मैं निकालने लगूं पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी बोल देते हैं इसे, है ना, पी पॉइंट पे, तो बेटा पी पॉइंट पे पोटेंशियल है प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, दोनों को ऐड कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ऐड कर देंगे। प्लस क्यू की वजह से कितना है सर, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, यही होता है, के कॉन्स्टेंट है कूलॉम्बिक कॉन्स्टेंट, आर क्या है पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। अगर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो बेटा डिस्टेंस सिर्फ ये रहेगी, और क्या ये डिस्टेंस आपकी z माइनस ए आने वाली है ना, भाई जीरो जीरो थ्री पे और ये जीरो जीरो सेवन पे, तो ये तो रहा चार z माइनस ए, तो ये डिस्टेंस आपकी z माइनस ए है प्लस q चार्ज से, क्या लिखेंगे, k प्लस का q है तो प्लस का q रखा जाएगा, डिस्टेंस कितनी है z माइनस ए प्लस, माइनस q की वजह से देखो बेटा k q की जगह रखा जाएगा माइनस q, z अब सॉरी r क्या है, अब की बार r देखो यहां से यहां तक है, जीरो से इधर z है ही और प्लस ऊपर a और है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, z प्लस a, अब क्या करें सर, क्या करेंगे, सॉल्व करना है हमें, क्या पता नहीं है, माइनस साइन बेटा देखो बाहर आ जाने वाला है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ आएगा, इसे लिख देता हूँ, ये q हो गया, यहाँ आ गया बेटा माइनस, के क्यू कॉमन है, हाँ सर के क्यू कॉमन है सर, के क्यू कॉमन निकाल लो सर, के क्यू कॉमन आ गया सर, क्या बच्चा सर, वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस वन अपॉन जेड प्लस ए, सर नीचे तो सर एलसीएम वेलसीएम बन के आइडेंटिटी दिख रही है मेरे को, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सर नीचे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
के क्यू यहाँ चली रहा है, ऊपर क्या हुआ माइनस वाली टर्म गई तो प्लस वाली टर्म बची। बेटा ध्यान से देखेंगे, गलती करूंगा तो मैं तुम्हें बताना मेरे को, माइनस प्लस वाला गया तो माइनस वाला बचेगा, तो बेटा जेड माइनस ए, ठीक है बताना गलती हो तो ठीक। और बाहर क्या चल रहा है बेटा, बाहर सर बाहर फॉग चल रहा है बाहर क्या चल रहा है फॉग, तो फॉग का भी टाइम था। अब देखो बेटा कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये z माइनस का होगा, z प्लस का, ये मर गया, a a प्लस प्लस के हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। और अब देखें ध्यान से तो जो आपका आंसर आने वाला है, जो नेट पोटेंशियल आ रहा है P पॉइंट पर, या नेट पोटेंशियल लिख देता हूँ, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है k q a प्लस a यानी 2a अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये बेटा आपका आंसर आया है z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर z बहुत बड़ा है a से, और ये मानते हैं इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि z अगर छोटा है तब भी आप पोटेंशियल निकाल ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि z इससे काफ़ी बड़ा है, और अगर z इससे काफ़ी बड़ा तो z स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, तो ये अपने आप ही डाइपोल बन गया। अगर आप एक्सिस पे बहुत दूर जाके देख रहे हो तो ये डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि z बहुत बड़ा हो जाएगा a से, तो z स्क्वायर बहुत बड़ा, तो बेटा a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये आपका बन गया 2k q a ओवर z स्क्वायर, वही आ गया। 2k का मतलब क्या है, k का मतलब 1/4πε0, तो 2k का मतलब हो गया 1/2πε0, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वही आने वाला है, क्या q a ओवर 2πε0 z स्क्वायर, ये आपका बेटा आंसर आया इस वाले पॉइंट के लिए। और अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं बेटा, अगर आप प्लस क्यू की साइड जा रहे हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप माइनस क्यू की साइड देखते तो बेटा यही पोटेंशियल नेगेटिव आता, क्यों, क्योंकि तब नेगेटिव वाले चार्ज का यहां पे इफेक्ट ज्यादा होता, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता, प्लस वाले का कम पड़ता, समझ गए ना बात को, ठीक। हाँ ये है बेटा बात, इक्वेटोरियल की आप अब खुद कर लेंगे, मैं नहीं समझता आपको दिक्कत आएगी। इक्वेटोरियल के लिए डिस्टेंस क्या लोगे, अब देखो डिस्टेंस क्या निकलेगी, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस देखनी है इस वाले पॉइंट की, पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है x, y, 0, तो बेटा दो पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकलती है पता है ना आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये माइनस ए का स्क्वायर, तो कितना निकलेगा, ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से वो निकलने वाली है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस जीरो में से ए गया माइनस ए गया तो प्लस का ही बनेगा उसका स्क्वायर, वैसे भी प्लस स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस बन रही है माइनस क्यू से, और क्या यही डिस्टेंस है प्लस क्यू से, देखो वही तो पॉइंट है, एक्स माइनस जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो एक्स आएगा उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस भी होगा, तो वो भी प्लस बता, डिस्टेंस दोनों बार यही आएगी, फिर क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का डिस्टेंस सेम है, खट खट मर के ओहो हो बहुत दुख हुआ मर गए, जीरो आ गया आंसर, जीरो आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं, आप अगर अपने दिमाग चलाते हैं तो आप इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने से पहले, क्योंकि डेरिवेशन ही है, आप इसको दिमाग में ही सॉल्व कर चुके थे कि ये यार एक्सेल वाला खेल है, ये इक्वेटोरियल, इसका आंसर तो ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और देखो आंसर वो आ रहा है, ठीक है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने देखी, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।